नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को सामने रखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया कड़ा विरोध। रविशंकर ने कहा, संदेश खाली की महिलाओं पर हुए अत्याचार की कीमत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुकानी होगी। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर उन्होंने हमला किया। मवेशी तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के घाटाल लोकसभा के सांसद व बांग्ला फिल्म अभिनेता देव ईडी समन पाकर पहुंचे दिल्ली। समय से पहले ही ईडी मुख्यालय पहुंचकर ईडी अधिकारियों के सवालों का दिया जवाब। ईडी अधिकारियों द्वारा कई घंटे तक देव से पूछताछ की गई। पश्चिम बंगाल में आदिवासी महिला के साथ मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी को किया गया सस्पेंड। ये घटना है पुरुलिया जिले के कोटशिला थाना इलाके की। बताया जाता है कि थाना प्रभारी तूफान दा ने आदिवासी महिला के साथ मारपीट की थी और अवैध शराब बिक्री का विरोध कर रही महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करने के आरोप में विभागीय कार्रवाई में ओसी को किया गया सस्पेंड। मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर में कांग्रेस एवं टीएमसी के बीच हुए संघर्ष में एक कांग्रेस कर्मी की मौत हो गई। मृतक कांग्रेस कर्मी का नाम इनामुल मंडल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर एक टीएमसी कर्मी भी बुरी तरह से घायल हुआ है। इलाके में व्यापक उत्तेजना है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपनी सहेली इफत परवीन के साथ मिलकर मां शांता शर्मा ने अपने 10 वर्षीय बच्चे स्नेहांशु शर्मा की हत्या कर दी। इस घटना के वक्त घर में मौजूद पालतू कुत्ते के नहीं भौंकने पर पुलिस को यहीं से संदेह हुआ कि हत्यारा कोई परिचित ही हो सकता है। ये घटना है हुगली जिले के उत्तरपाड़ा थाना इलाके की। पुलिस ने मां और सहेली दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि समलैंगिक रिश्ते में बाधा बन रहा था चौथी कक्षा का छात्र स्नेहांशु शर्मा। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सांसद सुकांत मजुमदार ने राज्य में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाने की मांग की। सुकांत मजुमदार ने कहा, राज्य में 7 चरणों में चुनाव होने से चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड चक्की फ्रेश आटा। आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।